इस आइकन से तो आप बखूबी वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, YouTube, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्लेटफॉर्म है। YouTube पर चैनल्स जो बनाए जाते हैं वो हमें एजुकेशन और इंस्पायर भी करते हैं। इसके अलावा YouTube पर बनाए गए चैनल्स बेरोजगारों के लिए उनके बिजनेस और रोजगार का जरिया भी होते हैं। लेकिन गाहे बगाहे मुख्तलिफ सालों में सोशल मीडिया पर बैन भी लगाया गया है, जैसे कि पाकिस्तान में बैन लगाया गया था यूट्यूब, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा ट्विटर पर भी बैन लगाया गया था। पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में भी इन में से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया था। अब दोबारा से एक नई खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का अंदिया दे दिया है। मजीद देखें। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया। अदालत का सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस। मजीद के तफसीलात हैं जानेंगे बोली उसके नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस फिरका वराना जुर्म में मुलव्वस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया। और दौरान समाज जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें आजादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का मुकम्मल हक है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आईन देता है। क्या FIA और PTA ने देखा कि YouTube पर क्या हो रहा है? हमारे खानदानों को भी नहीं बख्शा जा रहा। कोई YouTube पर चाचा तो कोई जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला किया और वो YouTube पर शुरू हो गया। जस्टिस काजी अमीन का ये भी कहना था कि हम तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। इस पर PTA हुकाम ने कहा कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई ममालिक में तो यूट्यूब जो है वो बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का भी इंदिया दे दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर शिकायत। और उसके साथ साथ जस्टिस काजी अमीन का ये भी कह रहा था कि ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए और जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है और इस हवाले से चलने वाले जो यूट्यूब्स हैं उनको मॉनिटर किया गया है। और इस पर जस्टिस मुशीर आलम ने ये कहता है कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कानून के तहत कंट्रोल किया जाए। जी ठीक, तो क्या यूट्यूब पर बैन लगाया जाए या काबिले एतराज मवाद पर? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।